अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली बिरयानी यानी कि फिश बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब, स्पाइसी और चटपटा होता है। तो आइए बहुत ही कम टाइम पे और आसानी से बनने वाली लजीज फिश बिरयानी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मछली लिया है। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मछली के उन पीसेस को लिए हैं जिसमें कांटे थोड़े कम होते हैं। तो सबसे पहले हमें मछली के पीसेस को मैरिनेट कर लेना है, और इसे मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हल्दी लेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 नींबू का रस जिसे मैंने निकाल लिया था ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर मछली के सारे पीसेस को डाल देंगे। अब इसे मिला लेना है जिससे कि सारे मसाले मछली के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो यह देखिए मछली के ऊपर अच्छी तरह मसालों की कोटिंग हो चुकी है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख देंगे, और जब तक इसके लिए हमें कुछ मसालों को ग्राइंड कर लेना है, जिसके लिए आधे प्याज को हमने इस तरह से रफली काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, और यहाँ पे 2 कप यानी कि 500 ग्राम बासमती राइस को पानी में धोकर अच्छी तरह से सोख करके रख दिया है। तो अब हमें फिश बिरयानी के लिए जबरदस्त मसाला तैयार कर लेना है, जिसके लिए हमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेना है, और तेल के गरम होते ही इसमें ऐड करेंगे 1 तेजपत्ता, 1 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ा सा इसे क्रैकल कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू रिलीज हो जाए। 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, इसमें डाल देंगे। तो इन प्याजों को चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याजों को हमने कितना फ्राई किया है। इसे बहुत ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है, इसे थोड़ा मिला देंगे, नहीं तो प्याजों का कलर ब्राउन हो जाएगा। जार में थोड़ा पानी डालकर उसके अंदर का सारा मसाला निकाल लेंगे। अब इसमें का पानी खुश्क होने तक हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज के टमाटर को हमने पीस कर उसका प्यूरी बना लिया है ऐड कर देंगे, और इसे भी मिलाते हुए हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप टमाटर को पीस कर इस तरह से नहीं डालना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दीजिएगा, वो भी अच्छी तरह गल जाएगा और मसालों में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे, मिला देंगे इसे जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। और अब इसमें ड्राई मसालों को ऐड कर देंगे जिसमें हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक। वैसे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और अच्छी तरह ड्राई मसालों को मिलाते हुए हमें भून लेना है। अगर जरूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा जिससे मसाले भूनते वक्त जले नहीं। तो यह देखिए सारे मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह भूनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसे। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे, मसालों के साथ मिला देंगे इसे। और अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे, मिला देंगे अच्छी तरह, और इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। तो यह देखिए ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड पे रखेंगे। और अब हमें बिरयानी के लिए चावल पका लेना है, जिसके लिए 2 लीटर पानी गरम करने के लिए रख दिया है। और इसमें ऐड करेंगे 2 तेजपत्ता, 1 जावित्री, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून ऑयल या घी डाल देंगे और 2 से 3 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। इसमें 1 उबाल आने का वेट करेंगे, फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे।
जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम मछली को जो हमने मैरिनेट करके रखा है उसे फ्राई कर लेते हैं। 2 टीस्पून ऑयल हमने फ्राई पैन पे गर्म कर लिया है। अब इसमें मैरिनेटेड मछली को एक एक कर डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मछली को हमें फ्राई कर लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हमें इसकी साइड चेंज कर देनी है। यह देखिए, एक साइड से यह अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इसी तरह हमें दूसरी साइड भी फ्राई कर लेना है। तो यह देखिए, दोनों साइड से मछली हमारी बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी साइड पानी भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसमें सोख किए हुए चावल ऐड कर देंगे। इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे और साथ ही फ्रेग्रेंस के लिए 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने हाई पे रखा है, हल्के हाथों से इसे चला देंगे। चावल हमारे सोख किए हुए थे इसलिए इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ आपको। यह देखिए, चावल हमारे 90% तक कुक हो चुके हैं, अब इसमें का पानी स्ट्रेन कर लेंगे। तो सारी चीजें हमारी रेडी है, अब हमें बिरयानी को असेंबल कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाकर इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आधे चावलों की लेयर लगा देंगे। अब जो ग्रेवी हमने बनाकर रखी है इसे डाल देंगे। इस तरह हमें ग्रेवी भी चारों तरफ फैलाकर डालना है। ग्रेवी के ऊपर फ्राई की हुई मछली की लेयर लगा देंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज और थोड़ा सा फ्रेश कटा हरा धनिया डाल देंगे। इसके ऊपर बचे हुए सारा चावल डाल देंगे। घी डालेंगे 2 से 3 टीस्पून। थोड़ा सा जर्दे का रंग जिसे हमने पानी में घोल करके रखा है डाल देंगे। तली हुई प्याज थोड़ा सा और अब इसे फॉयल पेपर से अच्छी तरह कवर कर देंगे। इसकी लिड बंद कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही दम पे रहने देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद 20 मिनट तक हमने इसे इसी तरह छोड़ दिया था, अब इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। यह देखिए, बहुत ही जबरदस्त ऑसम फिश बिरयानी बनकर हमारी तैयार है। मछली के पीसेस बहुत ही नाजुक होते हैं, वह टूट ना जाए, इसलिए इसे हल्के हाथों से निकालिएगा। तो आइए, बहुत ही टेस्टी मसालेदार फिश बिरयानी को हम सर्व कर लेते हैं। तो यह लीजिए, बहुत ही जबरदस्त और उम्दा बिरयानी हमारी बनकर तैयार हुई है। आपको बहुत पसंद आएगा इस बिरयानी का टेस्ट। आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। प्लीज कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।